उत्तराखंड में कोरोना केसों की रफ्तार में कमी जरूर हुई है, लेकिन सरकार अभी कोई ज्यादा ढिलाई देने के मूड में दिखाई नहीं दे रही। चुनाव खत्म होने के बावजूद सरकार ने सख्ती बनाए रखी है। प्रदेश में राजनीतिक रैलियों समेत धरना प्रदर्शन पर फिलहाल 28 फरवरी तक रोक जारी रहेगी। सरकार की नई SOP के अनुसार प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्र 1 मार्च से खुल सकेंगे। और क्या क्या रियायतें मिली है वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। अब तमाम और रियायतें तो मिली हैं, लेकिन धरना प्रदर्शन रैलियों पर अभी भी रोक रहेगी। ये कहा जा रहा है कि रैलियों में जो बेतहाशा भीड़ जुटती है उससे खतरा और भी आगे बढ़ सकता है। इसी पर रवि केंदुरा जुड़ चुके हैं देहरादून से, उन्हीं के पास सीधे आपको ले चलते हैं। रवि, जो चीजें सबसे पहले जहां जहां पर रियायतें लोगों को मिली है, सबसे पहले मैं चाहूंगी वो जरा आप बताएं, और इन चीजों को खुलने के बाद, रियायत मिलने के बाद लोग किस तरीके से वहां पर रिएक्ट कर रहे हैं उत्तराखंड में? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जिम है और इसके साथ ही सिनेमा हॉल है, थिएटर है, इन सबको आप पूर्ण क्षमता के साथ शुरू होने की इजाज़त मिल गई है। रेस्टोरेंट और ढाबे जहाँ पर जो 50% क्षमता थी उसको भी अब पूरी तरीके से खोल दिया गया है, लेकिन कोविड गाइडलाइंस जो है जारी रहेंगी, उन्हीं के साथ सब कुछ इन तमाम चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। इस वक्त मैं एक जिम में हूँ जहाँ पर भी अब चहल पहल हो गई है शुरू, और आप देखेंगे क्योंकि पहले जिम भी 50% क्षमता के साथ चल रहे थे, लेकिन अब 100% क्षमता के साथ जो है जिमों का संचालन भी शुरू हो गया है। इसके साथ ही जो वाटर पार्क हैं और जो स्विमिंग पूल हैं वो अभी 28 तारीख तक बंद रहेंगे, और जो धरना प्रदर्शन है, राजनीतिक रैलियां हैं, उन पर भी फिलहाल रोक लगाई गई है। यहाँ पर हम तमाम लोगों से बातचीत भी करेंगे क्योंकि जो छूट मिली है उसके बाद किस तरीके से देखें। हाँ जी, छूट मिली है उसे किस तरीके से देखें? अच्छी तरह से देख रहे हैं, और अच्छा है हमारे लड़के आए जिम में, थोड़ा अभी बाकी अच्छा चल रहा है अभी। बिल्कुल, देखिए क्योंकि जो जिम है, जिम संचालक भी लगातार ये मांग थी उनकी कि जो जिम है वो 100% क्षमता के साथ खुलने चाहिए, और वो तमाम चीज़ें शुरू हो गई हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि विजुअल ज़्यादा बताएं कि क्या कुछ चहल पहल जो है अब शुरू हो चुकी है। और इससे एक महत्वपूर्ण बात यह भी है क्योंकि जो राजनीतिक रैलियाँ हैं, धरना प्रदर्शन है, उन पर फिलहाल रोक लगेगी, और सबसे खास बात है कि 1 तारीख से आंगनबाड़ी केंद्र भी अब शुरू हो जाएंगे, तो जो छोटे बच्चों की पढ़ाई है जो आंगनबाड़ी केंद्र में होती है, उन चीज़ों की इजाज़त भी अब मिल जाएगी। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें दीपा, तो अब उत्तराखंड में कोरोना के मामले 200 से भी कम आए हैं, और ऐसे में अब जो सरकार की जो नई गाइडलाइन आई है वो इसी वजह से आई है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है हर एक चीज़ों को खोला जा सके। हालांकि जो स्विमिंग पूल है, वाटर पार्क है, उन्हें अभी फिलहाल बंद रखा गया है, 28 तारीख के बाद उनको खोलने की अनुमति मिलेगी, नई गाइडलाइन जारी होंगी। और लोगों से ये भी जो है अभी सरकार ने ये हिदायत दी है कि तमाम जो सार्वजनिक स्थान है जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, मास्क ज़रूर पहने, और तमाम रियायतें मिली हैं, लेकिन वो रियायतें लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर है, और लोगों को भी ख्याल रखना होगा। रियायतें उनको दी जा रही हैं, लेकिन लापरवाही अभी भी बरतनी नहीं है, सावधानी बरतनी है, ये लोगों को ख्याल रखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका रवि, पूरी जानकारी के